कण कण में भोलेनाथ आप ही का वास है, हर भक्त के लिए आप और हर भक्त आपके लिए खास है। और इसके अलावा खास है सावन का महीना जो कि 6 जुलाई से शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि हर साल सावन शुरू होते ही 12 ज्योतिर्लिंगों में भक्तों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए हम आपको वीडियो में ज्योतिर्लिंग जाने के नए नियम और तरीके बताएंगे, ताकि अगर आप दर्शन के लिए जाने की सोच रहे हैं तो कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले आपको 12 ज्योतिर्लिंग बता देते हैं कौन कौन से हैं और कहाँ हैं। सोमनाथ गुजरात, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश, केदारनाथ उत्तराखंड, भीमा शंकर महाराष्ट्र, बाबा विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, वैद्यनाथ झारखंड, नागेश्वर गुजरात, रामेश्वरम तमिलनाडु, घुमेश्वर महाराष्ट्र। तो ये हैं 12 ज्योतिर्लिंग। आपको जानकर थोड़ी निराशा होगी कि इनमें से सिर्फ 6 ज्योतिर्लिंग के ही दर्शन हो पाएंगे। वो 6 ज्योतिर्लिंग हैं सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, काशी विश्वनाथ, नागेश्वर मंदिर। यहाँ पर दर्शन व्यवस्था शुरू हो गई है। अगर आप भी सावन के महीने में किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही हो पाएंगे दर्शन। इन ज्योतिर्लिंगों की ऑफिशियल वेबसाइट पर भक्तों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर एक टाइम स्लॉट मिलेगा, उसी समय में भक्त मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। पर ध्यान रखें कि 65 साल से अधिक उम्र के लोग और 10 साल से छोटे बच्चों को मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश नहीं मिल सकेगा। तो चलिए अब बताते हैं कि कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन। गुजरात में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए www.somnath.org पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए www.shrishailshamonline.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित एकमात्र दक्षिण मुखी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए www.dic.mp.nic.in/ujjain/mahakal पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर टोल फ्री नंबर 1800-233-1008 पर कॉल करके दर्शन का टाइम स्लॉट पता कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए www.omkareshwar.org पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में स्थित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए www.shrikashiviswanath.org पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा गुजरात के द्वारका में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, शासन के नियमों का पालन करते हुए दर्शन किए जा सकते हैं। हर भक्त को करना होगा इन नियमों का पालन। मंदिर में शासन द्वारा तय किए गए नियमों का हर श्रद्धालु को पालन करना होगा। सभी भक्तों को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इन मंदिरों में भक्त सिर्फ दर्शन कर सकेंगे, यहाँ बैठकर पूजा करने की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति को महामारी से संबंधित कोई लक्षण है तो उसे दर्शन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर 4 ज्योतिर्लिंग भक्तों के लिए सावन में नहीं खुलेंगे। तो वहीं झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर अभी भी संशय है। इसके अलावा तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में भी अभी दर्शन व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी है, यहाँ भी कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में रामेश्वर मंदिर में दर्शन शुरू नहीं हुए हैं। सावन माह में दर्शन हो पाएंगे या नहीं, इसे लेकर अभी कुछ तय नहीं है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।